रोमन रेंस वर्सेस जॉन मॉक्सली सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, क्योंकि रोमन रेंस WWE में है और जॉन मॉक्सली AEW में, बट कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद ऐसा होता हमें आने वाले कुछ टाइम में क्या पता होता दिख जाए, या यूं कहूं फ्यूचर में होता ऐसा हमें दिख सकता है, उसके बारे में ही बात करने वाले हैं इस वीडियो में। वहीं बात करेंगे AEW वर्सेस NXT के बीच रेटिंग वॉर के बारे में और ब्रॉन स्ट्रोमैन के रिटर्न के बारे में भी बात करेंगे। वीडियो काफी कमाल की होने वाली है तो लाइक करना मत भूलिएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शुरुआत करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन से। जैसा कि सर्वाइवर सीरीज में आपने मैच के दौरान ब्रॉन स्ट्रोमैन के नी में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, यही वजह रही कि WWE ने उसके नेक्स्ट रॉ के एपिसोड में कुछ ऐसा दिखाया जिससे उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमैन को सस्पेंड दिखा दिया। हालांकि वो इंजर्ड थे, इस वजह से WWE की ने ऐसा प्लान करा। अब TLC 2020 में WWE चैंपियनशिप के लिए ओरिजिनल प्लान ड्रू मैकइंटायर वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच का था, बट उनकी चोट की वजह से ब्रॉन स्ट्रोमैन की जगह अब AJ स्टाइल्स को ड्रू मैकइंटायर का अपोनेंट बनाया गया है। वहीं ब्रॉन स्ट्रोमैन इस टाइम रिहैबिंग में है। हालांकि ब्रॉन स्ट्रोमैन की सर्जरी होगी इस पे कोई अपडेट नहीं है, तो माना जा रहा है कि जब सर्जरी नहीं होगी तो वो जल्दी WWE में टाइम से पहले वापसी कर पाएंगे। हो सकता है कि वो इस साल के एंड में ही वापसी करते हुए दिखाई दे जाएं WWE में। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे को होने वाली AEW डायनामाइट और WWE NXT के बीच रेटिंग वॉर की। जब से AEW और WWE के शो सेम डे पर आना शुरू हुए हैं तब से रेटिंग वॉर के बारे में बात होती चली आ रही है। अब इस वीक के बारे में ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। इस वीक AEW डायनामाइट का एपिसोड काफी अच्छा देखने को मिला, जिसकी व्यूअरशिप 9,13,000 रही। वहीं NXT की व्यूअरशिप 6,58,000 रही, जो कि AEW के मुकाबले काफी ड्रॉप हुई। अब इससे साफ है कि AEW डायनामाइट ने NXT को पछाड़ दिया है। अब टोनी खान ने खुद बाकायदा इसको ट्वीट करके बताया और फैंस का धन्यवाद भी दिया। वहीं अब आते हैं रोमन रेंस वर्सेस जॉन मॉक्सली के बीच मैच पॉसिबिलिटी पर। तो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, बट ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अब रेसलिंग की बहुत सी कंपनी है जिसमें से कुछ कंपनी ओपन प्लेटफॉर्म पर काम करती हैं, जैसे कि दो अलग अलग प्रमोशन के सुपरस्टार के बीच में भी हम मैच देख सकते हैं और दोनों प्रमोशन के सुपरस्टार एक दूसरे की ब्रांड में आ जा सकते हैं। अब इस वेडनेसडे को AEW ने अनाउंस करा कि वो और इम्पैक्ट एक साथ काम करेंगे, जिसका मतलब साफ है कि दोनों कंपनी के सुपरस्टार के बीच मैचेस भी हमें देखने को मिल सकते हैं। अब ट्रिपलेस से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि WWE भी अदर कंपनीज के लिए खुला हुआ है। उन्होंने कहा कि हम पहले भी इवॉल्व और प्रोग्रेस के साथ ऐसा काम कर चुके हैं, लेकिन इस तरह की बिजनेस डील पेपर पर ही अच्छी लगती हैं। वहीं ट्रिपलेस ने खुल के तो किसी प्रमोशन का नाम नहीं लिया जिसके साथ वो फ्यूचर में साथ आ सकते हैं, बट शायद AEW और WWE के बीच भी कुछ इस तरह का फ्यूचर में होता दिख जाए। अब ट्रिपलेस ने कहा है तो जाहिर सी बात है कि WWE इस पे आगे काम करना चाहेगी, बट डिपेंड WWE जिसके साथ काम करना चाहती है वो कंपनी WWE के साथ काम करेगी या नहीं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वहीं ट्रिपल एच ने कहा कि WWE भी ओपन प्लेटफॉर्म है और वो इवॉल्व और प्रोग्रेस के साथ ऐसा काम कर चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है वो थोड़ा डिफरेंट था जो कि इंपैक्ट और AEW के बीच हुआ है। उसमें होगा क्या कि दोनों ब्रांड के सुपरस्टार एक दूसरे की ब्रांड में आ जा सकते हैं और मैच लड़ सकते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं इवॉल्व और प्रोग्रेस की तो WWE वहां के सुपरस्टार उठा के अपनी WWE ब्रांड में हायर कर लेते थे। उससे होता क्या था कि इवॉल्व के सुपरस्टार WWE में आते थे, लेकिन इस तरह से नहीं कि दोनों के सुपरस्टार एक दूसरे की ब्रांड में जाके फाइट कर सकें। और WWE में इस टाइम बहुत से ऐसे सुपरस्टार हैं जो WWE ने इवॉल्व से हायर करे हैं, तो दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब देखते हैं ट्रिपल एच ने जब ये चीज बोली है तो ऐसा होगा या नहीं। वहीं आप सभी को बता दूं AEW और इम्पैक्ट साथ आए हैं, तो यही वजह है कि कैनी ओमेगा आने वाले इम्पैक्ट के एपिसोड में दिखने वाले हैं। तो फ्रेंड, ये थी WWE से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अभी तक अगर लाइक नहीं करा है तो लाइक करो और इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।